आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? एक वर्ष के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है बढ़ी है, मैंने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है, जो गरीब हैं। पेट्रोल प्राय कीमतों का नियंत्रण खत्म करने के बाद 6 महीने में ये चौथी मूल्य वृद्धि है और एक झटके में 3 रुपए का इजाफा करना ये बहुत ही जनता पर बोझ डालना है, अन्याय, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ाया है ये पूरी तरह से महंगाई बढ़ाने वाला कदम है। ये सरकार आम लोगों को धोखा दे रही है। भाजपा के नेता अपनी ही पुरानी बातों को याद करें और जनता के लिए पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को कम करें। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जनता के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। लगातार 17वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज पेट्रोल में 20 पैसे और डीजल में 55 पैसे की बढ़ोतरी की गई है।